चक्रवाती तूफान रेमल का लैंडफॉल जारी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तेज हवा और बारिश से कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है। तो बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा है चक्रवाती तूफान रेमल, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन कई ट्रेन को कैंसिल किया गया है, उड़ानें रद्द की गई हैं पश्चिम बंगाल के लिए। तटीय इलाकों में लैंडफॉल देखा जा रहा है रेमल तूफान की वजह से। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है पश्चिम बंगाल में, जिसकी वजह से पेड़ भी गिरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं लोगों को इस तूफान से बचने के लिए सलाह दी जा रही है। इसको लेकर बाकायदा आईएमडी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर समुद्र तटीय इलाकों में लोगों को और भी सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर तो प्रशासन की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं इस तूफान को लेकर। एनडीआरएफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ ही बारिश दर्ज की गई। कुछ और राज्य हैं जिस पर रेमल तूफान का असर देखने को मिलेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश कई और राज्यों में भी होगी, वहीं बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में दस्तक दे दी है रेमल तूफान ने, साथ ही बांग्लादेश में भी रेमल तूफान का असर। और ऐसे में एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी रेमल तूफान को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मौजूदा स्थिति को लेकर और आगे क्या कुछ करना है इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए। तटीय इलाकों में मुसीबत बढ़ रही है इस तूफान की वजह से, और ऐसे में चक्रवाती तूफान से बचने के लिए आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो खासकर इसका ध्यान दे। देखिए, कुछ अहम तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में किस तरह से लहरें वहां पर देखने को मिली, तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई और पेड़ों पर तूफान का असर भी देखने को मिला। सड़क पर पेड़ गिर गए। वहीं प्रशासन की टीमें अपनी मुस्तैदी दिखाती हुई पेड़ हटाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सड़कें साफ करती हुई एनडीआरएफ की टीमें नजर आ रही हैं। तो रेमल तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित होना शुरू हो गया है। ऐसे में वहां पर एडवाइजरी भी लगातार आईएमडी की तरफ से जारी की जा रही है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, विशेषकर अगर आप समुद्र तटीय इलाकों में रहते हैं, तो आपको यहां पर अवेयर रहने की जरूरत है। मुस्तैदी दिखाइए और इन एडवाइजरीज का पालन कीजिए।